functional groups. Okay, so the first functional group in your syllabus is halogen. When they are attached to the alkanes, they are known as haloalkanes. And in haloalkanes, in NCERT, only one halogen is given, that is chlorine. ठीक है, that is chlorine. एक ही Cl, halogen means एक 17th group of periodic table. ठीक है, means fluorine, chlorine, bromine, iodine, and then there is an astatine which is radioactive. ये जो 17th group of periodic table है, इसे halogen कहा जाता है. Halogens, they are halogens. ठीक है, and when they are present in the organic compound replacing one of the hydrogen from an hydrocarbon, for example like CH4, in methane if I will replace one hydrogen and I will give 1, 2, 3 any of the chlorine, now this compound is formed as haloalkane. ठीक है, ओके. जब आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जरूरी नहीं है वन हाइड्रोजन, आई कैन रिप्लेस टू, आई कैन रिप्लेस थ्री, इवन आई कैन रिप्लेस ऑल द फोर हाइड्रोजन्स. ओके, इफ वी विल रिप्लेस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एंड ब्रिंग एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, दैट इज हेलोजन. सो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज हेलोएल्केन्स. ओके, सो आई हैव टेकन लाइक मिथेन, द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन हियर. This is methane, and I have replaced one hydrogen and added one chlorine in place of it. So I will getting this one. Now haloalkane means it is chloromethane. This is its IUPAC name. This name you can see, bete, we are adding here prefix. जैसे कास्ट ऐड करते हो तो परफिक्स, देखो जैसे हमने हेलो एल्केन्स करे, उसमें हमने मिथ लगा के पीछे एन लगाया, तो मिथ एन वो हमें एल्केन के बारे में बता रहा है, मिथ एन. ठीक है, और ये जो क्लोरो है जिसे हम प्रिफिक्स बोलेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप के आगे लग रहा है, दैट इज प्रिफिक्स, वो हमें इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है, दैट इज क्लोरोमीथेन. ठीक है, क्लोरोमीथेन. ये इनके जैसे आपके स्कूल के नेम अलग होते हैं और घर का अलग से होता है कईयों का, तो ये इस इनका स्कूल का नेम है, दैट इज योर IUPAC नेम. वैसे ये घर के नाम है, जो हम कहते हैं कॉमन नेम. ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम भी होता है, तो इतना डिटेलिंग तो नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट ओवर इट. सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ इट. ठीक है, दिस इज IUPAC नेम विच फॉलो सर्टेन रूल व्हेन इट इज गिवन, एंड वन इज कॉमन नेम इन विच हम बोलते हैं एल्काइल हेलाइड. एल्काइल, ये एल्केन को एल्काइल बना देते हैं, जैसे मिथेन को मिथाइल बना देते हैं, तो इसी का ही नेम बोलेंगे मिथाइल. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको. और पीछे क्या बोलोगे, क्लोराइड, क्योंकि ये क्लोरीन से आया है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लोराइड. यू डोंट हैव टू डू दिस कॉमन नेम, नॉट कम इन योर एग्जाम्स और सो, बट जस्ट गिविंग यू some of the glands, as some of you have to do non-medical, है ना? So this is methyl chloride and this is a common name and this is a chloromethane. Got it? So it is a chloromethane and one is methyl chloride. Okay, so in the common name we write as alkyl halides. These are alkyl halides. So, अगर ये बनाया है जैसे मैंने, तो if
आई ड्रॉ दिस, अब मैंने इथेन में से एक क्लोरीन लगा दी एक एच रिप्लेस करके, तो क्या नेम बोलोगे बेटे हरिया, कौन सी एल्केन है? नॉट डू डिटेलिंग, विल डू ओनली वन और टू नॉन क्लेचर, नॉट इन डिटेल, ठीक है? हाँ जी, सिर्फ IUPAC में, जस्ट टेल मी द नेम ऑफ दिस, यस, सो इट इज क्लोरो इथेन, ठीक है? सो इट इज क्लोरो इथेन, ओके? सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? If I am writing chlorine here, ठीक है, on the first position. Now I am writing chlorine on the very much second position. तो है तो दोनों ही propane. मैंने एक बारी chlorine second पे दे दिया. इन दोनों के names में क्या फर्क होगा फिर बताओ? क्लोरोप्रोपेन तो है, मगर अब सीएल में पोजीशन चेंज कर, इसमें नहीं कर सकती थी, व्हाई? यस, ठीक है, तो इट इज वन क्लोरोप्रोपेन एंड इट इज टू क्लोरोप्रोपेन. आई कांट चेंज द पोजीशन हियर. इफ आई एम राइटिंग क्लोरीन हियर एंड स्टार्टिंग काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड, देन आल्सो वन क्लोरो इथेन. अगर मैं क्लोरीन इस तरफ रख लेती तो यहां से काउंटिंग करना शुरू कर देना था, तो देन आल्सो देयर इज वन क्लोरो इथेन. नाउ आई एम राइटिंग क्लोरीन ऑन दिस साइड, सो इट इज वन क्लोरो प्रोपेन, एंड इफ आई एम राइटिंग क्लोरीन ऑन द सेकंड पोजीशन, देन इट इज टू क्लोरो प्रोपेन, ठीक है? So like this we will count and we'll tell where is the halogen attached. So one is one chloropropane and other one is two chloropropane. See, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ग्लैंस मिल गया इस फंक्शनल ग्रुप का. कॉमन नेम बहुत डिटेलिंग है बेटे, दैट इज नॉट इन द 10th लेवल. सो सिर्फ IUPAC नेम में थोड़ा थोड़ा यही सीखो, ओके? सो वन इज क्लोरो इथेन, देन इज वन क्लोरोप्रोपेन, एंड देन देर इज टू क्लोरोप्रोपेन, ओके? यू हैव टू गिव द नंबर टू द कंपाउंड व्हेन योर फंक्शनल ग्रुप इज गेटिंग सम प्रायोरिटी फ्रॉम वेयर यू विल काउंट, ठीक है? तब नंबर देना जरूरी होता है. अगर हमें पता ही है कि ये क्लोरोमिथेन ही है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. क्लोरोइथेन में क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगी, इसके अलावा कोई नहीं मिल सकती है. इज नॉट प्रोपाइल क्लोराइड बेटे, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेलिंग इट. इट इज एन प्रोपाइल क्लोराइड, इट इज आइसो प्रोपाइल क्लोराइड. द कॉमन इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है? कॉमन नेम इज नॉट सो सिंपल. सो इट इज एन प्रोपाइल क्लोराइड, इट्स आइसो. हाउ इट कम, यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड्स. टू जो वर्ड्स होते हैं, वन टू थ्री फोर, वो कॉमन नेम्स में ऐड नहीं होते. नंबरिंग कॉमन नेम नहीं करते हम, तो इनको और नेमिंग करी जाती है. दिस इज एन प्रोपाइल क्लोराइड एंड दिस इज आइसो. दिस यू विल डू इन 11th स्टैंडर्ड और इफ यू आर डूइंग NTSC, अदरवाइज जस्ट डू द दिस नेम्स, ठीक है बेटे? व्हाई टू डू एक्स्ट्रा देन, okay? So this much should be clear, okay Arman? This is not propyl chloride or 2-propyl chloride, it is N propyl chloride. Again N lag jata hai, this is isopropyl chloride in common names, okay? And you'll do in higher standards. Wo main abhi nahi, abhi detailing nahi aapko, theek hai? Okay, so the next functional group in your syllabus is, I think there is a aldehydes. So this is bete aldehyde. Aldehyde is a functional group which is having the carbon of its own. ठीक है,
एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी खुद की कार्बन है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ओपन स्ट्रक्चर इसलिए बनाया आपको पता चल जाए कि इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो दो बॉन्ड्स बना के बैठी है। वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाती है, ऑक्सीजन कांट फॉर्म सिंगल बॉन्ड। चाहे वो वाटर है, देखो वाटर में हाइड्रोजन एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, ठीक है। एट ए टाइम उसने टू बॉन्ड्स बनाने हैं, वो इसकी मर्जी एक ही एटम के साथ बनाए या टू डिफरेंट एटम्स के साथ बनाए, बट इट हैज टू फॉर्म टू बॉन्ड्स, ठीक है। इसकी कोवलेंसी टू होती है, ठीक है। अब एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप CHO, तो कंडेंस फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ और ग्रुप लगाएंगे अब, मगर जब हम ओपन फॉर्म में बनाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है बेटे, इट इज डबल बॉन्ड O, व्हाट इट इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड O, इट इज अ डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CHO, ओके। अश्विन अगेन ओनली आई थिंक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देयर आर 45 आई थिंक इन योर क्लास, इजंट इट, एंड आई थिंक 5 आर 44, सो ओनली आई थिंक 4 आर एब्सेंट, जस्ट राइट डाउन द नेम एंड सेंड टू मी, 41 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इंक्लूडिंग मी, सो CHO, ठीक है, एंड COH, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के पास अपनी कार्बन है बेटे, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O H, एक तो कार्बन है ही और इस कार्बन के थ्री बॉन्ड्स पूरे हैं, तो फर्स्ट जो कंपाउंड है बस उसके साथ आपने एक हाइड्रोजन और लगाना है। दूसरी बात, ये जो ग्रुप है हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आता है, ठीक है, टर्मिनल मतलब एंड, बीच में कभी भी नहीं आता, तो ये कीटोन बन जाता है। आई विल टेल यू द फर्दर, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन सेम क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बिलोंग करते हैं, फर्क इतना है एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल मतलब ये जहां पे खड़ा हो जाएगा वहां से चेन शुरू हो जाएगी, इट इज अ टर्मिनल ग्रुप, ओके। याद रखना है कि एंड में ही आएगा, बीच में नहीं कर लेके आओगे कभी। तो दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, एच पहले है, सी एच ओ इसका है, तो एक एच और है, हाँ शहनशाह अमिताभ बच्चन, यू राइट, ठीक है, तो एच, ओके। तो बेटे इसके लिए जैसे कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन के लिए यू हैव यूज्ड सफिक्स पीछे लगता है, वैसे ही अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप आप करोगे जो आपके सिलेबस में है उनके लिए आप प्रीफिक्स नहीं ऐड करोगे, जैसे आपने क्लोरो ऐड किया, यू विल ऐड सफिक्स फॉर देम ओनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, ठीक है। तो है कहाँ, ये एल्केन से ही आया है, तो फर्स्ट कार्बन क्या होती है, मीथेन, मीथेन, और मीथेन का ई काट दोगे आप और पीछे सेकेंडरी सफिक्स लगाओगे अल, तो दैट इज मीथेनल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम, एट इज एज दो कॉमन नेम कर लो, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम, डिटेलिंग नहीं, जस्ट क्योंकि आपने एसिडिक एसिड किया हुआ है, दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड, व्हाट इट, ठीक है बेटे। सो इट इज मीथेनल, ऑल्सो नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड कॉमनली, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट विल बी, वन कार्बन विल इंक्रीज ऑब्वियसली, तो अगेन दिस विल बी एट टर्मिनल पोजिशन, अगर एक कार्बन इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे कार्बन लगाओगे तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 लगाओगे, यू विल ऐड CH3 ओवर इट, ठीक है। अब ये टू कार्बन कंपाउंड्स हो गया, तो इट विल बी इथेन, तो बोलेंगे इथेन अल, इथेनल, ठीक है, इट इज इथेनल। इसको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है ही टर्मिनल, बनेगा इथेनल। इट इज एसिटाल्डिहाइड, ओके,
सो द नेक्स्ट विल बी, चलो नेक्स्ट बोलो, बस थ्री थ्री कर लो आप. मोर इज नॉट इन योर सिलेबस. यस हाँ. व्हाट व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस देन, थ्री कार्बन वाले का? हरी अप. प्रोपेनल. ठीक है, प्रोपिनियो एल्डिहाइड कॉमन नेम है, बस दो कॉमन नेम याद रख लो, दैट्स इट. ठीक है, तो इट इज प्रोपेनल. यस इट इज प्रोपेनल. ओके, सो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड. अब एल्डिहाइड की सिस्टर या ब्रदर जो भी समझ है आपने उसके ऊपर चलते हैं, इसी क्लास को बिलोंग करते हैं कीटोन्स. ठीक है, इसी क्लास को बेटे बिलोंग करते हैं कीटोन्स. लेट अस सी देम. कीटोन के नेम से आपको ये ध्यान रखना है, दे विल फॉर्म किट. ठीक है, मींस वो बीच में आएंगे. ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ नहीं है. इस ग्रुप बीच में आता है और दोनों तरफ कार्बन है. ठीक है, किट ऑन किट बनाता है. ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है बीच में आता है, और इसको जो सफिक्स है जो पीछे लगता है वो ओन ही लगता है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप बीच में दो कार्बन आसपास कार्बन होना जरूरी है. तो ये फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट ही थ्री कार्बन एटम से होता है. ठीक है, तो स्टार्ट विथ थ्री कार्बन एटम दोनों. ओके, अगर अगर इसका बेटे वन कार्बन एटम लेते हो या टू लेते हो तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा. अगर आप इस तरह वन वन तो ऑलरेडी है ही है. ठीक है, वन तो इसका अपना ग्रुप है. तो अगर आप CH3 यहाँ पे लगा देते हो फॉर एग्जाम्पल, अगर फिर आपको H यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो इट विल फॉर्म एल्डिहाइड. तो यू हैव टू स्टार्ट विद द थ्री कार्बन कंपाउंड, कि दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए. CH3 है. CH3 CH3. ठीक है, तो ये थ्री कार्बन कंपाउंड, इसको क्या बोलोगे आप? प्रोपेन. अब इसका ई काट दोगे, प्रोपेन का ई इसलिए काटते हैं बेटे, जब दो वॉवल्स इकट्ठे आते हैं ना तो एक वॉवल जो मेन का होता है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये भी वॉवल है. प्रीवियस में भी मीथेन का ई निकाला था आपने, क्योंकि अल में के साथ ई नहीं आएगा, टू वोवल्स कांट कम टुगेदर. ठीक है, तो इट विल बी ऑन, यू विल से एज प्रोपेनॉन, एज इट इज थ्री कार्बन कंपाउंड. ओके, सो इट इज प्रोपेनॉन. हाइड्रोजन एट होने चाहिए. अरे बेटे, यू आर फॉर्मिंग अ न्यू फंक्शनल ग्रुप, यू हैव रिप्लेस द हाइड्रोजन विद डबल बॉन्ड ओ. नाउ यू आर नॉट डूइंग प्रोपेन, नाउ दिस इज अ न्यू फंक्शनल ग्रुप. यू हैव रिप्लेस्ड कार्बन हैज बेटे फोर वेलेंसीज. इट डजेंट मीन दैट फोर वेलेंसीज कैन बी स्टेबलाइज्ड विद हाइड्रोजन ओनली. डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द हिट्रो एटम अटैच्ड, डिपेंडिंग ऑन द चेन इज ब्रांच्ड और साइक्लिक, हाइड्रोजन चेंज होंगे. अगर मैं चेन को ब्रांचेस फॉर्म में कर दूं ना तो बीच वाली कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा. आपने बेटे ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू फॉर्म फोर बॉन्ड अराउंड ईच कार्बन एटम, एंड इफ देर आर फोर बॉन्ड्स you don't need to add hydrogen then. Like this, C के पास एक दो तीन चार बॉन्ड ऑलरेडी है, सो वेयर यू विल एड हाइड्रोजन नाउ. ठीक है, प्रोपेनोन हमने एन इसलिए दिया है बेटे कि क्योंकि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है. एन का मतलब ये है
कि टू कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज सजेस्टिंग दिस ओनली। ठीक है, अगर मैं बड़ी चेन करके एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ ये बना दूं, तब ये प्रोपेन टू ऑन थ्री इन ऐसा भी कुछ बन जाता, दैट यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड। ओके, दिस एन इज सजेस्टिंग टू मी इन दिस कार्बन चेन नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ओके, सो अच्छा इसका कॉमन नेम बस कर लो आप बेटे, दिस इज एसीटोन, अदरवाइज दे आर नोन एज डाइमिथाइल कीटोन। अगेन यू विल डू हायर स्टैंडर्ड बस। तो मैंने एक और अब बेटे कार्बन बढ़ा दी, दिस इज माई विश कि आई कैन इंक्रीज कार्बन हेयर और हेयर। ठीक है, बोथ द वे द सिमिलर आंसर विल बी आई एम गेटिंग। तब अगर मैंने कार्बन, चल लेट मी मेक दिस, इफ अगर मैंने कार्बन यहां बढ़ाई तो आई स्टार्ट डूइंग काउंटिंग फ्रॉम हेयर, तो हेयर माई फंक्शनल ग्रुप इज गेटिंग टू एट द टू पोजिशन, and if I am adding carbon here extra, so again my functional group is getting second position only. हाँ, so its name is butanone. ठीक है, its name is butanone or butane 2-on. It's our wish to add 2 or not, as it is understood in propane, butanone, butane both. The case is it will get second position only. If you will write two, तब भी कोई wrong नहीं कर सकता, अगर नहीं लिखोगे तब भी कोई wrong नहीं कर सकता। हाँ, आगे marks can be deducted. For example, the next one, ठीक है? So next one, for example, I have increased one more carbon atom. And here I have increased one more carbon atom. Okay, so now what is the difference in the names of both the compounds? Okay, the most appropriate answer is given by Chayank. No, Garima, you have to tell the number where on is present. Yes, pentane. Yes, pentane. No, pent-2-on. No, pentane. So it is pentane 2-on and it is pentane 3-on. Why? I'll start counting from here. And if I will count here, see, opposite भी करके देखें, 1, 2, 3, then इस functional group को 4 position मिल रही है, ज़्यादा वाली position कभी नहीं लेके आनी, functional group सबसे कम position लेता है, ठीक है? अगर हमारे पास दोनों way है, chain को इस तरफ से भी count करने की बेटे, and you have to count from this side, both the side, you have to count from that side, where you will give the least number to the functional group. Okay, so it is pentane 2-on. It's not pent 2-on. Okay, it is pentane 2-on. Okay, and here it is pentane 3-on. So I can count in the either ways. It will come to be 3 only, like this also, like this. Okay. So it will be pentane 1, 2-on or 3-on. Okay. So aldehyde and ketone, bete, belongs to same family of the organic compound. The difference is that ketone is a middle group and aldehyde is a terminal group. Both the group have C double bond O. Okay, as aldehyde is a terminal group, it is C double bond O H,
one hydrogen is merged from one side, but in case of ketone, on the both the side you will be having carbon atom. Okay, bete. So last functional group and time is only 2 minutes left. If you have any doubt, you can ask. Two hexanone कब बनेगा? बनाओ बेटे, two बनाओ आप जरा. तो आप यहाँ पे एक और कार्बन बढ़ा देना तो टू बन जाएगा. चलो बनाओ, यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री लिखो तो हेक्सेन टू ओन हो जाएगा. ओके आदित्य, यू जस्ट यू हैव टू इंक्रीज वन मोर कार्बन एटम हियर. सो यू विल स्टार्ट काउंटिंग आउट फ्रॉम हियर एंड यू विल गेट हेक्सेन टू ओन. ट्राई टू राइट लाइक हेक्सेन टू ओन बिकॉज टू हेक्सेनॉन इज नॉट प्रॉपर आईयूपीएसी. वी यूज टू राइट the name or the number in front of the functional group. ठीक है, in some of the books or some of the teachers are also teaching in same way, but the most appropriate way is to tell the number in front of the functional group. Okay, so you'll increase one more carbon here. It is hexane 2-1. If I will increase one more carbon here, it will become hexane 3-1. Okay. Any more doubt, bete? You can ask. It's less than 1 minute is left. Bas, thak gaye.